एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एंड शॉपिंग। मैं हूँ आकृति। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैंने नायका से अभी कुछ दिन पहले कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल पर इसी तरीके की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ सबसे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो शेयर कर रही हूँ। उसी से रिलेटेड मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है। मैंने परचेज़ किया है एक प्राइमर। मैंने मेबलिन का फिट मी डीवी प्लस स्मूथ प्राइमर परचेज़ किया है। दोस्तों, मैं इसके विषय में आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहली बात, प्राइमर लगाना क्यों आवश्यक होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। प्राइमर मेकअप करने से पहले लगाया जाता है। जैसे कि हम अगर पेंट करते हैं तो किसी भी जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं तो एक बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम जो भी डिज़ाइन फ्लावर बनाना है या फिर सीनरी बनाना है उसे हम बनाते हैं। उसी तरीके से हम अपने फेस पर जब मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं, ब्लशर लगाते हैं, ये सब लगाते हैं तो उससे पहले कॉन्टूरिंग करते हैं, आईब्रोज फिल करते हैं, उससे पहले क्या होता है, मेकअप करने से पहले एक बेस तैयार करना होता है फेस पे। तो उसके लिए प्राइमर लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेकअप बिल्कुल स्मूथ होता है, काफ़ी नेचुरल मेकअप आता है, फोटोग्राफ्स के लिए काफ़ी अच्छा मेकअप बनकर तैयार होता है। तो मैंने ये फिटमी का, मेबलिन के फिटमी का प्राइमर परचेज़ किया है। इसे मैं लगभग 15 डेज से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो उससे मेकअप करने से पहले मैं इस प्राइमर को ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, जो भी बड़े बड़े पोर्स होते हैं। कुछ लोगों को नोज़ के एरिया में बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं, जैसे कि मुझे इस टी जोन एरिया में बड़े बड़े पोर्स हैं, तो उस पोर्स को ये बंद कर देता है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश देता है। इसे मैं लगाकर अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसके विषय में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है। मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। ये विटामिन ई से युक्त प्राइमर है। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी दोस्तों 30 ml की है। साथ ही साथ इसकी प्राइस जो है वो 499 rupees है। अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करते हैं तो इससे सस्ते की आपको मिल जाएगी। ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी किसी भी आउटलेट से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसकी सेल्फ़ लाइफ 3 ईयर्स की दी हुई है और बहुत सारे डिटेल्स इसके विषय में दिए हुए हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट करती है। दोस्तों, मेकअप करने से पहले अगर आपकी स्किन ड्राई है और इस प्राइमर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं फिर इस प्राइमर को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका स्किन नेचुरली बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाता है। और फिर आप जब फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पहले इसके विषय में कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ। ये विटामिन ई से युक्त है, ये मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्चर का फॉर्मूला है, नेचुरल फॉर्मूला है। ये डीवी ग्लो के साथ बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है, साथ ही साथ लाइट वेट क्रीमी टेक्सचर में ये आता है और आसानी से हमारे फेस पर ब्लेंड हो जाता है। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, ये कुछ इस तरीके की है। इसे ओपन करने के बाद देखिए, ये इस तरीके की ट्यूब टाइप की क्लासिक पैकेजिंग में आता है। और हाँ, एक बात है कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, तो अगर आप चाइना के प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो इसे परचेज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप बहुत सारे प्राइमर हैं, जैसे मैंने लैक्मे के प्राइमर का भी रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसे ओपन करने के बाद ये किस तरीके की कंसिस्टेंसी में आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाइट कलर की क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है और काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है हमारे स्किन पर, और स्किन पर बहुत ही लाइट ग्लो देता है। क्रीमी टाइप का टेक्स्चर है तो ये एक हल्का सा लाइट ग्लो भी देता है। इसमें चंकी पार्टिकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी स्किन को स्मूथ और ग्लोई लुक प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन को मेकअप करने से पहले एक बहुत अच्छा बेस प्रदान करता है। तो इसके विषय में मैंने आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करा दी जो इसके विषय में मुझे पता है। और इसे अप्लाई करने के बाद स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है।
और किस तरीके से इसे मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। और इसके विषय में अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए किस तरीके से मैं इस प्राइमर को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और उसे अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पर किस तरीके से इसका प्रभाव नज़र आता है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर हिमालय का नरिशिंग स्किन क्रीम, जो कि समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्किन क्रीम है। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू अपने चैनल पर आपके साथ शेयर किया है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं ये कितना बेहतरीन क्रीम है। इस क्रीम को मैं अपने पूरे फेस पर इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा रही हूँ, उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया है। फेस के साथ ही साथ मैंने इसे नेक पर भी मिक्स किया है। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन का फिट मी डीवी प्लस स्मूथ प्राइमर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। देखिए मैंने हाथों पर इसे थोड़ा सा निकाल लिया है। दोस्तों ये क्रीमी टेक्सचर में है और इसे फेस पर डॉट डॉट करके मैंने उसी तरीके से लगाया है और फिर इस हाथ की मदद से इसे अच्छी तरीके से फेस पर मैंने ब्लेंड कर लिया है। फेस के साथ ही साथ मैंने इसे नेक पर भी लगाया है, क्योंकि फेस के साथ ही साथ नेक के पोर्शन पे भी मेकअप को अप्लाई करते हैं ताकि मेकअप जो है वो इवन लगे। काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्राइमर जो है मेरे फेस पर ब्लेंड हो गया है और फेस पर आप शाइनिंग देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। इसके बाद इजीली मैं फाउंडेशन को अपने फेस पर ब्लेंड कर सकती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने प्राइमर को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और मेरा फेस बहुत ही शाइनी, स्मूथ और फ्लॉलेस लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों होप ये मेबलिन के प्राइमर के विषय में जो कुछ भी आपको जानकारी मैं उपलब्ध करा पाई हूँ उससे आप संतुष्ट हुए होंगे, और कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी, बाय बाय।